हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात वैक्सीनेशन की। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर पर लगातार कंफ्यूजन बरकरार है। 18 प्लस एज ग्रुप के लोग और 45 से ऊपर की उम्र के लोग सेंटर पर वैक्सीन की डोज लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बार बार बदलते बीएमसी के नियमों से लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार लोगों के बीच कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग नियम जो है हर दिन सामने आ रहे हैं। बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लोग जो है वैक्सीन के लिए आए हैं, लेकिन कई लोगों तक जो मैसेज है बीएमसी का वो नहीं पहुँच पाया, जिसको चलते काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर शुरू हो गया। कई कई घंटों से लोग इस धूप में इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके उन्हें वैक्सीन का मौका मिले। आपको बता दें कि बीएमसी द्वारा कहा गया है कि 18 से 45 की जो आयु के लोग हैं उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन, बिना अपॉइंटमेंट मिले वैक्सीन नहीं दी जाएगी। वॉक इन वैक्सीन उनके लिए नहीं है। हालांकि जो 45 से ज़्यादा की उम्र के हैं उनको सेकेंड डोज दिया जाएगा, वो भी विद रजिस्ट्रेशन। ऐसे में कई लोग जो हैं धूप में काफ़ी वक्त से खड़े हैं। ये बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर की लाइन है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन नहीं मिलने के चलते वापस जाना पड़ रहा है। आप यहाँ पर वैक्सीन लेने आए, लेकिन बाहर स्टॉक फुल का बोर्ड लगा, अंदर नहीं जाने दे रहे। कहाँ कहाँ गए, कितनी दिक्कत आ रही है? पूरा का पूरा एरिया घूमे मैडम, चेंबूर से लेकर हम यहाँ तक आ गए। सुबह 5 बजे से एक एक सेंटर घूम रहे, कहीं पर भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। मैं तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, एटलीस्ट जब तक सारे सिटीजन का वैक्सीनेशन हो नहीं जाता है, रिक्वेस्ट है प्लीज 45 के नीचे वैक्सीनेशन मत चालू करना। मेरा सेकंड डोज है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिल रहा है अपॉइंटमेंट का। तो जब भी अपॉइंटमेंट करने के लिए जाता हूँ तो पूरा बुकड दिखाई देता है। और सेकंड डोज वालों को कुछ भी प्रेफरेंस दिया नहीं गया है। इससे फर्स्ट डोज मिल गया, फर्स्ट डोज मिलने के बाद सेकंड डोज वालों को कुछ तो अलग उसके लिए ऑप्शन चाहिए था, लेकिन वो नहीं अवेलेबल। और फर्स्ट और सेकंड का जो एक जगह ही अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बोलते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहना है, कब से आप लोग यहाँ? वी हैव जस्ट कम, हम लोग अभी यहाँ। रजिस्टर है आप? रजिस्ट्रेशन है, बट वी डोंट हैव दिस, बुकिंग नहीं दिया गया हमें। बुकिंग के जाने नहीं दे रहे हैं वो लोग, उसके लिए नया गाइडलाइन जो इशू हुआ है बाय कॉर्पोरेशन, दैट फ्रंटलाइन वर्कर्स व्हिच आर बैंकर्स आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, दे आर परमिटेड, सो डायरेक्टली वी कैन वॉक इन ऑल द थ्री। ये पीछे की भी कतार हम आपको दिखा रहे हैं, जो कतार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई लोग धूप पे कई वक्त से खड़े हैं और वैक्सीन के लिए, ऐसे में कंफ्यूजन बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि 18 से 45 के आयु के जो भी लोग हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट मिले बिना वैक्सीन नहीं मिल सकती है। 45 से ज़्यादा के जो आयु है उनकी सेकेंड डोज उन्हें मिल सकता है, उन्हें पहले डोज का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ऐसे में जो 18 से 45 के आयु के हैं वो 5 सेंटर में से 500 लोगों को ही वैक्सीन दी जा रही है। और लगातार बीएमसी की तरफ से नियम बदले जा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। ऐसे में लोगों की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आ जाती है और लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। कैमरा पर्सन संतोष देवते के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।